सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंधी यूनियन नेता चंदन गरेवाल व यूनियन के अन्य सदस्यों ने सर्किट हाउस में डीसी कमल किशोर यादव के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक में यूनियन के नेताओं ने सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए डीसी से मांग की। इस दौरान डीसी कमल किशोर यादव ने कहा कि इस बारे में प्रशासन व उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही है और इसका फैसला प्रशासन द्वारा जल्द ही किया जाएगा। इस अवसर पर एडीसी, निगम कमिश्नर व कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। दलित समाज के कुछ नेताओं ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रधान प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ प्रदर्शनबाजी की और उनका पुतला फूंका। दलित समाज के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर मिशन के बैनर तले बाजवा के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए उनकी गरीब व दलित विरोधी नीतियों पर रोष जताया। इन नेताओं का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस को दोबारा लाना है तो एक दलित को प्रदेश कांग्रेस प्रधान बनाया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि बाजवा ने पार्टी में वर्करों की उचित व सही मांगों को नजरअंदाज किया है और उन्होंने दलितों को कभी भी सम्मान नहीं दिया। इस मौके पर विक्की सहोता, नरेश नाहर, दीपक कुमार सोनू सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। डॉक्टर अंबेडकर मिशन पंजाब वालों अज प्रताप सिंह बाजवा खिलाफ जलंधर विखे धरना लगाया गया है, जिस विच बाजवा ने दलित समाज को नज़रअंदाज करके जिथे भी उन्होंने मीटिंग का फैसला लिया दलित समाज ने उत्थे दलित समाज तक पहुँचे पर बाजवा साहब आप नहीं पहुँचे। उन्होंने इस रोस में असं अच्छे जलंधर भी पुतला साड़िया उन्होंने, क्योंकि वो पंजाब के जिन्नी बारी इलैक्शन मतलब होए ने और हार का कारण ही